ओके तो पहले मेरे को सांस लेने दो। साला ये क्या देख लिया मैंने और इतना कुछ देखा है कि पहले तुम्हें क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अपने एक्साइटमेंट को मुट्ठी में पकड़कर हम एक एक चीज पर बात करेंगे, क्योंकि एनिमल से जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मिला है। तो चलो खून खराबा शुरू करते हैं। मैं ऐसा किसी के लिए कहता नहीं हूँ, पर देखना एनिमल का ये 2 मिनट 26 सेकंड का टीजर इंटरनेट पर आग लगाने वाला है। भाई क्या वाइब थी इसकी। अगर टीजर की बात करूँ तो स्टोरी के बारे में हल्का सा आइडिया हो जाता है, जैसे कि रणबीर एक अमीर परिवार का लड़का है जिनका एक बड़ा सा परिवार है, पर शायद परिवार में हर कोई उसे अच्छा होने की नसीहत देता है, उसे ताने मारे जाते हैं और शायद इससे भी बुरा बर्ताव उसके साथ बाहर होता है। यही वजह है कि एक अमीर घर का मासूम सा लड़का एक जंगली जानवर में बदल जाता है, एक साइकोपैथ बन जाता है। अच्छा चलो, जब साइकोपैथ की बात निकली गई है तो पहले रणवीर पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि टीजर में रणवीर की वो साइकोपैथ वाली हरकतें नोटिस हो जाती है। जब वो बात करते करते अचानक से गीतांजलि की तरफ देखता है तो गीतांजलि के चेहरे पर वो डर साफ झलकता है, जैसे वो किसी मॉन्स्टर को देख रही हो। और उसका फेस भी सडनली मासूमियत से हैवानियत दिखाने लगता है। और जब उसका बाप उसे मार रहा है तो उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अर्जुन कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनका तो नेचुरल है। रणबीर कपूर ने जो साइकोपैथ वाले एक्सप्रेशन पूरे टीजर में कैरी किए हैं उसकी बात चल रही है। अच्छा, पब्लिक प्लेस में इतनी बड़ी गन्स लेकर घूमना, इतने सारे मशीन गन के सामने अकेले खड़े हो जाना और 8-10 गोलियां लगने के बाद भी अपने टारगेट की बात करना, वो भी 0 एक्सप्रेशन के साथ, ये सब चीजें रणबीर की साइकोपैथ पर्सनैलिटी को दिखाती है। मारना है, अपने राज मत होना पापा। लेकिन भाई लोग, इन सब में एक चीज और शॉकिंग है, फादर एंड सन की बॉन्डिंग। क्योंकि टीजर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ वो अपने बाप के लिए कर रहा है, और अगर उसकी पत्नी उसे उसके बाप जैसा ना बनने को कह रही है, मतलब कि उसका बाप कोई महापुरुष ही होगा। यहाँ तक कि उसका बाप खुद कहता है कि उसने इसके अच्छे से परवरिश नहीं की, पर ये महाशय क्या कहते हैं। अच्छा, और ये चीज मुझे बहुत पसंद आई कि मूवी सिर्फ खून खराबा ही नहीं बल्कि रिश्तों पर भी ध्यान देगी, खास करके बाप बेटे के बॉन्डिंग पर। और जब खून खराबे की बात निकली है तो मैं तुमको बता दूं कि इसे उम्र 18 के नीचे वाला कोई भी देख नहीं सकता। अब तुम जरा सोचो, जब मेकर्स खुद इसे 18 प्लस का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो इसमें कितना ब्रूटल एक्शन होगा। वैसे मूवी में जो ब्रूटल एक्शन होने वाला है उसकी एक झलक टीजर में भी दिखती है। टीजर देख कर ये भी पता चलता है कि मूवी में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जो बच्चे तो सुनना चाहेंगे पर किसी भी प्रकार के पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी सुनने नहीं देंगे। और हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रूटलनेस और डेडली एक्शन में एनिमल इंडियन सिनेमा की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी। यूं कहो तो इंडियन सिनेमा में आज तक ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है। तो कमजोर दिल वाले जरा संभल कर, म्यूजिक कमाल का था और कास्ट के बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि टीजर का सारा फोकस रणबीर पर था। लेकिन फिर भी मैं कसम से कह रहा हूँ, विलन का एक लुक ही सारे टीजर पर भारी पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें बस इस लुक को दिखाने के लिए ही बिल्ड की जा रही है। टीजर देखकर लग रहा है कि अपना हीरो जितना बाप के लिए क्रिमिनल बना उतना ही इसके लिए भी बना। और जिस तरह से वो विलन को लेकर बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद बॉबी देओल ने या तो अनिल कपूर को मार दिया है या फिर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। और टीजर में तुमने देखा है कि ये अपने बाप से कितना प्यार करता है, तो शायद यही कारण होगा कि अपना नायक खलनायक और साइकोपैथ बन गया। लेकिन ये तो बस अंदाजा है, वाकई में इसके साथ क्या हुआ है ये तो मूवी में ही पता चलेगा, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर फिर अगर एक बार हम विलन की बात करें तो टीजर में विलन का सिर्फ एक लुक देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल इस बार कुछ भलताई करने वाले हैं। और मैं पहले तो बॉबी देओल को विलन के रोल में देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन इस टीजर में उनका एक लुक देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखो, टीजर मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर साहब से जितनी हमने उम्मीद लगाई थी वो हमें एनिमल से उससे भी कहीं ज्यादा देंगे। वैसे जब इसका प्री टीजर आया था तो कई लोग इसे हॉलीवुड फिल्म की कॉपी कह रहे थे, पर मैं इस टीजर को देखने के बाद कहना चाहूंगा कि अगर ये किसी फिल्म से इंस्पायर्ड भी है तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इसे देखना ही है। वैसे तो ऐसा नहीं है, पर अगर है भी तो भी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन पर मुझे पूरा भरोसा है। वो हमें एनिमल से ऐसा कुछ देने वाले हैं जिसे इंडियन सिनेमा के एक ब्रूटल एक्शन के तौर पर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। वैसे टीजर देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और तुम अपने बताओ, तुम्हें टीजर कैसा लगा? साथ ही में हमने वायरस स्पाइवर्स के मेन विलन को लेकर भी एक कमाल की वीडियो बनाई है। तुम अगर स्पाइवर्स की फैन हो तो वो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, तुम्हें वो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।